बीएसटीसी के समस्त बंधुओं को नमस्कार। साथियों, आपके लिए जो कॉलेज रजिस्ट्रेशन एंड फीस डिपॉजिट की डेट एक्सटेंड की गई है, यह आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि जो गलती पीटीईटी के अंतर्गत पीटीईटी परीक्षार्थियों के द्वारा की गई और जिसके कारण उनको कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं हो सका, यह गलती बीएसटीसी से जुड़े जो परीक्षार्थी हैं उनके द्वारा न हो, इस संबंध में आज यह वीडियो बनाई जा रही है। साथियों, आपको पहले ही बता दें कि सभी परीक्षार्थी जो डेट एक्सटेंड की गई है, इस संबंध में जितने भी कॉलेज हैं उनकी जो आपकी चॉइस पहले आप लोग कर चुके हैं, उन्हें अपडेट आवश्यक रूप से कर देवें, क्योंकि साथियों कुछ कॉलेज हैं जिनकी कैटेगरी चेंज की गई है और कुछ कॉलेज हैं जिनको नया अवसर दिया गया है बीएसटीसी काउंसलिंग में शामिल होने के लिए। इसलिए जितने भी परीक्षार्थी अपनी कॉलेज चॉइस को लॉक कर चुके हैं या जिन्होंने लॉक नहीं किया है, सभी अपनी जो कॉलेज चॉइस है उसको अपडेट ज़रूर करें। और अपडेट करने की जो तरीका है उसको बता देते हैं। जितने भी साथी 390 से अधिक अंक वाले हैं और जितने भी 390 से कम अंक वाले हैं, उन्हें किस प्रकार से अपने कॉलेज को चूज कर रहे हैं उस संबंध में स्पष्ट रूप से समझ लें। 390 से अधिक अंक वाले जितने भी साथी हैं, इन्हें कम से कम 80 से 100 कॉलेजों की चॉइस भरनी ज़रूरी है। और इसी के साथ जितने भी साथी 390 से कम अंक वाले हैं, इन्हें 100 से 200 कॉलेजों की चॉइस भरना अनिवार्य है, अन्यथा आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा। साथियों, ज़्यादा कॉलेज भरने के पीछे का जो लॉजिक है उसको आप स्पष्ट रूप से समझें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको दूर कॉलेज मिलेगा। यदि आपके उच्च अंक हैं और आपकी जो मेरिट है वो उच्च है, तो आपको आपके जो निकटतम वरीयता का कॉलेज है वही ही दिया जाएगा। लेकिन जो अधिक कॉलेज भरने का लॉजिक है, उसका सही लॉजिक यह है कि यदि आप अधिक कॉलेज फिल करते हैं और आपको दूर कॉलेज मिल जाता है, तो फिर आपके पास एक मौका होता है कि आप निकट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने कॉलेजों की चॉइस ही 5 या 10 दी है और इनमें से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला या फिर 8वें या 9वें नंबर का कॉलेज मिला, तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बच जाता है कि आप निकटतम कॉलेज में या होम डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कॉलेज में आ पाएँ। क्योंकि साथियों, अपवर्ड मोमेंट हम उन्हीं कॉलेजों के लिए कर सकते हैं जिन कॉलेजों को हमने पहले काउंसलिंग के दौरान चूज किया है। यदि कॉलेजों को हमने काउंसलिंग के दौरान चूज ही नहीं किया, तो फिर हम अपवर्ड मोमेंट में उनका ऑप्शन भी नहीं दे सकते। तो इसलिए साथियों, जितने भी बंधु 390 से अधिक अंक वाले हैं, वो स्पष्ट रूप से सुन लें, आपको 80 से 100 कॉलेजों की चॉइस देनी है। और जितने भी बंधु 390 से कम अंक वाले हैं, इनको 200 कॉलेजों की चॉइस देना बहुत ही ज़रूरी है। आपका जो अंतिम क्वेश्चन है उसकी चर्चा करें, तो कट ऑफ जो है, देखिए बार बार कई साथी पूछ रहे हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। साथियों, पीटीटी और बीएसटीसी में कट ऑफ का कोई फिक्स गणित नहीं होता है। यहाँ जो आपको कॉलेज मिलता है वो कॉलेज की मेरिट और कॉलेज में आए कुल आवेदन के आधार पर किया जाता है। कोई भी फिलहाल फर्स्ट राउंड में राज्य स्तरीय मेरिट काम नहीं करती है। और फर्स्ट काउंसलिंग के में जितने भी साथियों को कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, उसके आधार पर एक बेसलाइन कट ऑफ तैयार की जाती है और फिर सेकंड काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए जाते हैं। तो कट ऑफ का जो गणित साथियों आप अच्छी तरह समझ लें, वो आपके कॉलेज चॉइस ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यदि आप कम अंक के परीक्षार्थी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजों को चॉइस में लेवें। तो यह आपके लिए अब एक गोल्डन चांस भी हो चुका है। तो आप निश्चित रूप से क्योंकि साथियों 20 कॉलेज ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी को चेंज किया गया है, तो यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आपने इन कॉलेजों को चूज किया है, तो बता दें इन 20 में से 19 कॉलेज को एजुकेशन के थे जिन्हें महिला विमेन कॉलेज में
अब परिवर्तित कर दिया गया है, तो आप इन 19 कॉलेजों को अपनी च्वाइस से निकाल दीजिएगा, अन्यथा ये 19 आपकी जो च्वाइस हैं वो कम कर देंगे। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो भी यदि आपने इन कॉलेजों को अपनी च्वाइस में नहीं लिया है और ये कॉलेज आपके निकटवर्ती होम डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आप इन कॉलेजों को अपनी च्वाइस में ले लें। अब बात कर लेते हैं उन 20 कॉलेजों की, 21 कॉलेजों की जो नई मान्यता में हैं। ये कॉलेज यदि आपके लिए सूटेबल हैं, निकटवर्ती हैं, तो आप एक बार रिव्यू करके इन कॉलेजों को भी अपनी च्वाइस में ले लें, क्योंकि यदि आपने अधिक कॉलेज अपनी च्वाइस में लिए हैं तो आपके लिए बेहतर विकल्प होता है। साथियों, अधिक कॉलेज चूज करने से और फिर उस कॉलेज का फ़ायदा क्या है, अधिक कॉलेज का असली गणित समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें हम आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा च्वाइस के कॉलेज लेने के पीछे का असली विज्ञान क्या है। यदि आप ज़्यादा कॉलेज अपनी च्वाइस में लेते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, और अपवर्ड मोमेंट का BSTC में नया जो शर्त रखी गई है कि अपवर्ड मोमेंट की कुछ नई अमेंडमेंट आई हुई हैं, उस नई अमेंडमेंट को भी हम नेक्स्ट जो इस सीरीज़ की वीडियो है उसमें स्पष्ट करेंगे। तो इस न्यू सीरीज़ की जो वीडियो आने वाली है इन्हें आप अवश्य देखें। इनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। क्योंकि साथियों, आपको इस बता दें कि इस चैनल पर अभी इस श्रृंखला की काफ़ी वीडियो आने वाली है जो आपके PTT और BSTC में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसमें उनको पहले ही सोल्व कर दिया जाएगा। और यदि आप BSTC कर रहे हैं या PTT करेंगे तो आपको लेसन प्लानिंग कैसे करनी है, सब्जेक्ट का चयन कैसे करना है और BSTC PTT की तैयारी कैसे करनी है, इसके अलावा यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो प्री BSTC और प्री PTT की तैयारी आप फिर से कैसे करें, और शिक्षक बनने के लिए आपके लिए सही तरीका क्या है, कौन कौन सी करियर मेकर बुक्स हैं जिनको आप पढ़ें और कितने टाइम का सिटिंग प्लान आप बनाएं कि जिससे आपका सिलेक्शन हो। साथियों, इस चैनल पर हम आपको करियर संबंधी गाइडेंस भी प्रदान करते हैं और प्रत्येक कॉम्पिटिशन की जो पाठ्य सामग्री है उसको भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ने के लिए साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और हमारे द्वारा करियर से रिलेटेड और प्रॉब्लम सॉल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं उन्हें देख करके आप उनका फ़ायदा ज़रूर लें। तो साथियों, इस सीरीज की नेक्स्ट जो दो वीडियो आने वाली है उन्हें अवश्य देखिए। आज की जो वीडियो है यह यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और प्रत्येक 3:30 बजे आप अपनी लाइव समस्याओं को कमेंट के जरिए रख सकते हैं। हम प्रत्येक 3:30 से 3:30 बजे के बीच में लाइव आते हैं, तो आप लाइव आकर भी अपनी समस्या रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज आपको सबसे पहले मिले।